वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट अप्रोच और प्रेफरेंस अप्रोच क्या होता है देखो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपका जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल तरीका है वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट करने का उससे थोड़ा सा अब एडवांस होता है और सस्टेनेबल तरीका होता है उससे अब दो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली डिज़ाइन किसके लिए किया गया है जो भी आप हर तरीके का वेस्ट देखोगे या फिर हर कोई भी तरीके का वेस्ट देख लो जैसे कि है म्यूनसिपल वेस्ट देख लो हेजाडस वेस्ट देख लो हेजाडस वेस्ट में आपका बायोमेडिकल वेस्ट देख लो और इंडस्ट्रियल वेस्ट देख लो देखो बायोमेडिकल वेस्ट जो होगा वो जनरेट करेगा हॉस्पिटल्स या फिर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बायोमेडिकल वेस्ट या मेडिकल मेडिसिन लाइन में काम करते हैं तो उनसे रिले जनरेट होने वाले वेस्ट वो खुद ही मैनेज करेंगे उनका अलग से मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल है प्लास्टिक वेस्ट का अलग है इंडस्ट्री से जनरेट होने वाले हेजाडस वेस्ट के लिए अलग है तो इन सबसे जनरेट जो भी वेस्ट होता है वो म्यूनिस्पल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मिक्स नहीं किया जाता वो अलग होता है तो ये जो अप्रोच बनाया जाता है ये अप्रोचेस बनाए जाते हैं म्यूनसपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेसिकली जो भी चीज़ें डिज़ाइन की जाती है बिकॉज कि ये जो ज्यूंसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मैनेजमेंट होता है या म्यूनसपल वेस्ट जो होता है यही आपका पब्लिक प्लेसेस में बस स्टॉप में शॉपिंग मॉल में सड़क किनारे मार्केट जो हो गया आपका वहाँ पर अक्सर देखने को मिलेगा जिसकी वजह से ही वहाँ की एस्थेटिक ब्यूटी जो होती है वो डिस्टर्ब होती है एटमॉसफियर जो होता है वो क्लीन नहीं होता आपका जिसमें दुनिया भर का एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन सॉयल पॉल्यूशन हर तरीके के पॉल्यूशन होते हैं तो इसी को बेसिकली मैनेज करने के लिए हमारे यहाँ बिगेस्ट जो इशू प्रोग्राम चलाया गया था वो था आपका क्लीन इंडिया मिशन और स्वच्छ भारत अभियान इसमें बेसिकली आप जानो कि ये दो तरीके पे काम करता था एक था ओ और ओ प्लस ओ में क्या था आपका कि ओपन डेफिकेशन फ्री यानी भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए था और ओ प्लस क्या था ये सॉलिड प्लस लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करता था इसको आप गूगल पर सर्च करके देखिएगा कि इसके क्या स्ट्रेटजी और क्या टेक्निक्स थी आप देखते हैं कि म्यूंसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखो म्यूंसिपल सॉलिड वेस्ट का जो जनरेशन होता है इसको हम रिकवर करेंगे दो बेसिस पे या तो उसकी रिसाइकलिंग करेंगे या तो उसकी कंपोस्टिंग करेंगे हमारे यहाँ इंडिया में दोनों तरीक़ों में इशू होता है देखो रिसाइकलिंग करने के लिए ये होना चाहिए कि वो आपका वेस्ट जो जनरेट हुआ वो रिसाइक्लेबल है वो रिसाइकलेबल है कि नहीं वो रिसाइकलेबल प्रोडक्ट से बना है कि नहीं जैसे कि प्लास्टिक में भी आपके एक से लेकर दस तक होते हैं क्या क्या होते हैं कैसे होते हैं इसको आप देखो सर्च करो और उसमें कौन सी प्लास्टिक ऐसी होती है जो रिसाइकलेबल होती है आपके यहाँ आपके शॉपिंग्स में जो भी चीज़ें ख़रीद के ले आते हो चाहे वो कपड़े हो गया या कोई भी प्रोडक्ट हो गया उसकी जो पैकेजिंग है क्या वो पैकेज जो आप वेस्ट के रूप में जनरेट हो जाएगा क्या वो रिसाइकलेबल है या नहीं है ये भी एक इशू है अगर वो रिसाइकलीबल नहीं है तो डायरेक्ट डिस्कार्ड हो जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं है तो एक वेस्ट जनरेशन के क्वान्टिटी बढ़ेगी काफ़ी हद तक अब आते हैं हम रिकवरी फॉर कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग के लिए देखो कंपोस्टिंग बनाने के लिए इंडिया में भी बहुत बड़ा इशू है कंपोस्टिंग सक्सेस नहीं हो पाती क्यों नहीं हो पाती क्योंकि इंडिया में हमारे यहाँ या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में मोस्टली आप ये जान लो कि वेस्ट सेग्रीगेटेड नहीं होता वेस्ट सेग्रीगेशन इज़ द बिग इशू फॉर इंडियन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे यहाँ जो भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पब्लिक इतनी अवेयर नहीं है तो वो सारी वेस्टों को एक में ही चाहे वो बायोडिग्रेडबल हो नान बायोडेबल प्लास्टिक हो, हो सब्जी का छिलका हो सब कुछ हो शैम्पू के हो बॉटल हो या फिर उसकी पैकेजिंग हो सब कुछ एक में ही रहता है तो इससे आप कंपोस्ट नहीं बना सकते कंपोस्ट बनाने के लिए आपको ये चाहिए कि आपका बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पूरी तरीके से सेपरेटली अलग अलग बॉक्स में स्टोर होना चाहिए फिर आप इसकी रिकवरी और रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग के बाद ही आप डिस्क जो मटेरियल आपका बच जाएगा जैसे कि आपने रिसाइकलिंग किया फिर उसके बाद ये हो गया कि हाँ ये प्रोडक्ट रिसाइकलेबल नहीं है इसको हमने रिसाइकिल कर लिया अब ये बच गया तो उसको आप डिस्कार्ड करेंगे फिर आप कंपोस्टिंग से जो आपका प्रोडक्ट बन गया कि हाँ ये कंपोस्टिंग के लायक नहीं है तो फिर उसको भी आप डिस्कार्ड करेंगे आप उसको जो डिस्कार्ड कर दिए वो दो तरीके में आ सकता है या तो उसका कंबजन करेंगे या विथ एनर्जी या कंबजन करेंगे विदाउट एनर्जी विथ एनर्जी मतलब हो गया कि आप उसका कंबजन जो करेंगे उससे एनर्जी जनरेशन होगा और विदाउट एनर्जी यानी कोई एनर्जी जनरेशन नहीं होगा सीधा आप उसको ऐश में कम तब्दील कर देंगे तुरंत फिर आपका आता है इसके बाद भी जो आपका लास्ट में बचता है या फिर जो बच जाता है वो होता है डिस्कार्ड टू लैंड एंड अदर डिस्पोजल आपके पास फिर अगर लैंडफिल की सुविधा या लैंडफिल फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर लैंडफिल आपके यहाँ अवेलेबल है सैंटी लैंडफिल तो आप उसको लैंडफिल में डालोगे अदरवाइज़ आप इंडिया में जैसा मोस्टली मोस्टली होता है या ओपन कंट्रीज़ में या फिर बहुत जगह होता है आप देख ही सकते हो दिल्ली में कितने वेस्ट के माउंटेन बने हुए हैं ओपन डंपिंग करोगे सीधा सीधा पूरा जिससे इन्वामेंट्स को पूरी तरीके से अच्छा खासा डैमेज होगा देखो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है आपका वो बेसिकली ये काम करेगा इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज अ कम्प्रीहेंसिव वेस्ट प्रिवेंशन रिसाइकलिंग कंपोस्टिंग एंड डिस्पोजल प्रोग्राम इतना आप समझो इसमें अब इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज इंटेंडेड टू हेल्प गाइड डिसीजन अबाउट जनरेशन ऑफ वेस्ट रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल एंड अल्टीमेट टू डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट रेसिड्यू इस बेसिकली इसका एक इफेक्टिव इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट सिस्टम कंसिडर हाउ टू प्रिवेंट रिसाइकिल एंड मैनेज सॉलिड वेस्ट इन द वे दैट मोस्ट अफेक्टली प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायमेंट इसको आपको ध्यान में रखो और बेसिकली जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये वेस्ट प्रिवेंशन के बेसिस पे काम करता है यानी सोर्स रिडक्शन ये हो गया कि जो वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं वहीं इस पर ही इसको रोक दिया जाए यानि वेस्ट जनरेसन की प्रोसेस को कम किया जाए वेस्ट जनरेट कम हो तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ सीधा आ चुका है कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस प्रिफ्रेंस पे काम करता है तो उसका जो बेसिकली है वो है सोर्स रिडक्शन सोर्स को रिड्यूस करना यानी जहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको ही मिनिमाइज़ करना अब उसमें क्या क्या, -क्या? आपकी कैटेगरी सब कैटेगरीज हो जाएंगी रिड्यूस द टॉक्सिसिटी जो वेस्ट में ज़्यादा टॉक्सिक है वेस्ट जनरेट जहाँ से हो रहा है उसकी टॉक्सिसिटी को आप जितना हो सके आप मिनिमाइज़ कर सकते हो देखो अब इसमें यही चीज़ दिया गया है कि हम इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्यों चूज़ करें बिकॉज इट्स प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट और रिड्यूज द अमाउंट जनरेटेड इसका बेसिकली फंडा यही है कि प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट ये प्रिवेंट करता है प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट और रिड्यूस द अमाउंट ऑफ जनरेटेड जितना अमाउंट जनरेट होता है उसको करता है फिर क्या हो सकता है रिड्यूस द टॉक्सिसिटी और निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट दैट इज जनरेटेड जो भी वेस्ट आपका जनरेट होता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसको भी ये टॉक्सिसिटी को भी कम करता है ये री यूज इन दियर करेंट फॉर्म्स द मटेरियल रिकवर्ड फ्राम द वेस्ट स्ट्रीम इसका भी एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और क्यों और इसको यूज किया जा सकता है टू रिड्यूज द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट दैट हैज टू बी बर्न ऑन बरी जो भी आप उसको बर्न करना उसको भी टू रिड्यूज द पॉल्यूशन हो गया वो टॉक्सिक में आ गया एसोसिएटेड विद माइनिंग यूज डिस्पोजल रिसोर्सेज टू रिड्यूज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ स्केस रिसोर्सेस ये भी हो सकता है रिड्यूस द वैल्यूम ऑफ वेस्ट प्रायर टू द डिस्पोजल और डिस्पोजल ऑफ रेसिडुअल सॉलिड वेस्ट इन एन इन्वायमेंटली साउंड मैनर जनरली इन लैंडफिल ओपन डंपिंग को भी ये पूरी तरीके से कहता है कि नहीं आप उसको लैंडफिल में जितना अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओ या डंप कर पाओ वही सही है अब इसकी जो कैटेगरी तीन बेसिस पे काम करता है वो हो गया आपका सोर्स रिडक्शन रिसाइकलिंग और डिस्पोजल सोर्स रिडक्शन अगर आपका इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्वेश्चन में कहीं दिखा और उसमें सोर्स सोर्स रिडक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है तो फर्स्ट आप इस पर ही मारोगे टिक या सोर्स रिडक्शन में आपकी जो फिर पाँच कैटेगरी दी जाएगी हाँ ये टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करेगा पैकेजिंग को लेस करेगा यानी जितनी पैकेजिंग हो सके कम हो सके उतने ही पैकेजिंग करेगा एक्स्ट्रा पैकेजिंग नहीं करेगा जैसे आप कभी कभी शर्ट ख़रीदने जाते हो तो शर्ट लेके आओ उसमें इतनी सारी पैकेजिंग निकलेगी और आजकल जो आपका ऑनलाइन फूड ऑर्डर हो गया था अभी तो फ़िलहाल पेंडेमिक की वजह से सब कुछ क्लोज है रिस्टोरेशन हो रहा है इको सिस्टम के आपका कह सकते हो तरीके से तो लेस पैकेजिंग प्रोडक्ट री मोर ड्यूरेबल प्रोडक्ट ऑन साइट मल्चिंग ऑन साइट मल्चिंग एंड कंपोस्टिंग ये भी आपका सोर्स रिडक्शन का ही प्रोसेस है अगर पूछ लिया आपका ऑन साइट मल्चिंग एंड कंपोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ री यूजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सोर्स रिडक्शन तो ये इतना ध्यान में रखना कि ऑन साइड मल्चिंग एंड कंपोस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ सोर्स रिडक्शन या फिर ये पूछ लिया ऑन साइड मल्चिंग इज एंड कंपोस्टिंग इज़ द पार्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ़ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग तो किस में आप लगाओगे ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लगाओगे ऑन साइड मल्चिंग एंड कंपोस्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कंपोस्टिंग का हम अलग से ही क्लास लेंगे अलग से ही डिस्कस करेंगे क्योंकि कंपोस्टिंग से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पुटअप किए गए हैं फिर आता है आपका रिसाइकलिंग रिसाइकिल रिसाइकलिंग में आपका चार प्रोसेस हो जाते हैं कलेक्टिंग करना प्रोसेसिंग यूजिंग रिसाइकिल्ड मटेरियल इन अ प्रोडक्ट और कंपोस्टिंग फिर आपका डिस्पोजल हो गया जो कि कम्बस्जन विथ एनर्जी रिकवरी फिर अलाइन फिल्म में डालो या फिर इंसनेस्टर विदाउट एनर्जी रिकवरी ये चीज़ें हो गई आपकी डिस्पोजल ये दो चीज़ें आपके जो कन्वेंसनल हैं उसमें भी एडिड की जाती हैं देखो क्या होता है कि आपका जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कन्वेंशनल वेस्ट मैनेजमेंट है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है देखो कन्वेंशनल वेस्ट मैनेजमेंट जो था वो पुअर इफिसियेंसी थी उसकी अनडिज़ायरेबल हेल्थ हेल्थ इम्पैक्ट था उसमें जैसे कि आप सच कह सकते हो कि वेक्टर वॉन डिजीजेस खुले में रहता था ना इलीगल पॉइंट्स कहीं पर भी ओपन डप में रहती थी उसकी वजह से इन्वामेंटल प्रॉब्लम कई सारी हो सकती थी जैसे आप बेसिकली ये ले सकते हो कि ग्राउंड वाटर का डिटोरिएशन सबसे ज़्यादा हो रहा था ड्यू टू द लीचेट हो सकता था उसकी वजह से सोशल यूज भी उससे ज़्यादा थे जैसे कि आप कह सकते इनफॉर्मल कम्युनिटीज़ वर्किंग इन अनसेफ कंडीशन उनको करना पड़ता था इस वजह से लेकिन आपका जो ये इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लाएगा इसका जो डिज़ाइन है बेसिकली वो यही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑप्शन इसमें दोनों तरीके कहें या तो सेंट्रलाइज पे काम करिए या जो डिसेंट्रलाइज पे काम करिए यानी वार्ड वाइज को अलग बना दिया गया पूरी सिटी को अलग एक अलग अलग वार्ड में डिवाइड करके अलग अलग उनकी कम्युनिटी बना दी जाती है डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है पूरे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को विथ इफेक्टिव पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम सच एज लीचेड ट्रीटमेंट एंड गैस कैप्चर सिस्टम इसमें बहुत सारी तरीके के होते हैं अब इसको अगर लैंडफिल में बनाओगे आप तो लैंडफिल से जो जनरेट होता है लैंडफिल और ओपन डंपिंग में यही डिफरेंस हो जाएगा कि आपका लैंडफिल से भी जो भी वेस्ट जनरेट होगा उसको आप स्टोर कर सकते हो जो भी गैस एनर्जी जनरेट होगी उसको ये बेसिकली वेस्ट टू एनर्जी जैसे कॉन्सेप्ट काम करता है वेस्ट टू एनर्जी कर सकते हैं वेस्ट टू वेल्थ यानी डब्ल्यू टू डब्ल्यू यानी वेस्ट टू वेल्थ या डब्लू टी ई यानी वेस्ट टू एनर्जी वेस्ट टू एनर्जी में आपका वही हो जाता है जब आपका वेस्ट एग्रीगेटेड नहीं है तो बेसिकली इंडिया में जो काम करते है, होता है आर डी एफ़ यानी रिफ्यूज़ डेराइव फूल यानी उसको पैलेटाइजेशन भी कहते हैं उसको पैलेट बना दिया जाता है जो एज अ कोल हाई क्लोरफिक वैल्यू पे काम करते हैं उनको एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है फिर आपका बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जैसे इंसनेसन हो गया कंपोस्टिंग हो गया फिर आपका पायरोलाइजेशन हो गया बहुत सारी चीज़ें जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच में ही आती हैं तो ये आपका इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है बेसिकली इतना जानो कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट प्रिवेंशन पे ही काम करता है कि हाँ वेस्ट को किस तरीके इतना हो जितना भी हो सके उतना प्रिवेंट किया जाए उसकी टॉक्सिसिटी उसकी पैकेजिंग उसके प्रोडक्ट री यूज़ मोर ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो ऑन साइड मल्चिंग सब चीज़ों को वो बढ़ाता है सोर्स रिडक्शन पर ही काम करता है आप देखो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेसिकली जो डिफरेंस यही है कि आप देख लग सकते हो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो आपका स्टार्ट हो रहा है जनरेसन तो हो ही गया स्टोरेज कलेक्शन आपका जो प्रोसेस हो गया स्टोर स्टोरेज हुआ स्टोरेज को फिर आप कलेक्ट किए कलेक्ट से फिर वो क्या कहते हैं कि व्हीकल्स के द्वारा उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट सेंटर हो बना बना हुआ होता है वहाँ पे जाता है वो वहाँ पे उसकी चाहे वो कंपजन करें चाहे वो सग्रीगेटेड करके कंपोस्टिंग करें मटेरियल रिकवरी करें फिर वो वहाँ के बाद वो कंपोस्टिंग जो होगी वो अगर कंपोस्ट बन गया तो मार्केट में जाएगा मटेरियल रिकवर्ड हो गया यानी उसका आर टी एफ यानी रिफ्यूज राइड फूल्ड फ्यूल बन गया आपका तो भी मार्केट में ही जाएगा अगर वो मार्केट में वहाँ से नहीं गया तो डिस्पोज कर दिया जाएगा फिर इसी तरीके से सारे चैन आपस में जुड़े हुए होते हैं लेकिन जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट बने जो होता है इसके एक स्टेप पहले से ही काम करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ वेस्ट यहाँ इस सोर्स हमारा ये है वेस्ट जनरेशन यहाँ से हो रहा है तो इसको ही रिड्यूस करो जा क्योंकि सबसे सिंपल सा सन्सेप्ट आपका गॉर्वेज दैट इज़ नॉट प्रोड्यूस डस नॉट हैव टू बी कलेक्टेड जब वेस्ट जनरेट नहीं होगा तो हम उसको कलेक्ट क्या करेंगे और जब कलेक्ट वेस्ट जनरेशन कम होगा तो अभी सी बात से स्टोरेज कम होगा स्टोरेज कम होगा तो कलेक्शन कम होगा कलेक्शन कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कम होगा ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो ट्रीटमेंट कम होगा यानी ट्रीटमेंट सेंटर पे कम होगा वहाँ पे जब वेस्ट कम होगा तो कम से कम वेस्ट हमारा लैंडफील्ड में जाएगा जिससे जितना कम जाएगा उतना ग्राउंड वाटर हमारा बढ़िया रहेगा एयर बढ़िया रहेगा सॉयल बढ़िया रहेगी बाकी चीज़ें हैं लेकिन इतना चीज़ याद रखो कि वी कैन नॉट इस्टाप द वेस्ट जनरेसन हम वेस्ट जनरेसन को इस्टाप नहीं कर सकते रोक ही नहीं सकते हैं ये बढ़ेगा ऑबियसली बात है इंसान की इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी ऑबियसली बात वो परचेज़ करेगा और वेस्ट जनरेसन होगा बस हम इतना कर सकते हैं कि जो हमारा नॉन डिग्रेडेबल पैकेजिंग है उसको बाहर डिग्रेडेबल में कन्वर्ट्स कर सकते हैं यानी हमारा जो वेस्ट जनरेसन का रेशियो होगा वो बढ़ेगा कम्पेरिजन टू नॉन बायोडिग्रेडेबल टू बायोडिग्रेडेबल लेकिन वेस्ट जनरेशन कॉन्टिन्यूअसली बढ़ेगा तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए थैंक यू हैप्पी लर्निंग